हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू वैष्णवस ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं अपने जो क्लासेस हैं स्क्रीनिंग की, वो किस तरह से रहेंगी और क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं पिछली बार से। आप लोग डेमो की बात कर रहे थे, कुछ डेमोस देने के लिए चैनल पर। बाकी जो लोग जुड़ चुके हैं, जिन्हें पहले से पता है कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या है और चीज़ें किस तरह से चलती हैं, वो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए ये डेमो सेशन है और कुछ चीज़ें हमने ऐड की हैं। जैसे हमने पुरानी वीडियोस देखी होंगी, उसमें हमारे मोस्ट ऑफ जो थे वो हैंड रिटन थे, ठीक है। अब हैंड रिटन को हमने टाइप नोट्स में बनाया है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, या एक हमने साइकोलॉजिकल एक फैक्ट को यूज करके कि किस तरह से आप बेहतर कर पाएंगे उसके लिए ये PDF तैयार की है। तो PDF के को किस तरह से आपको स्टडी करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और साथ ही साथ बताता चलता हूँ कि जैसे यहाँ पर आप लोगों को पहले डिटेल में नोट्स मिलेंगे टॉपिक वाइज, और यहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट्स नोट मिल जाएंगे, और फिर नीचे अगर हम चलते हैं तो जैसे ही आपका ये फिनिश होगा उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमने पार्ट इसलिए डाला था क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे आपको कार्ड्स प्रिपेयर करने होते हैं, है ना, फ्लैश कार्ड्स प्रिपेयर करने होते हैं। अगर आप न्यू हैं तो मैं आप लोगों को अभी समझा दूंगा फ्लैश कार्ड कैसे बनाए जाते हैं या कैसे आप लोगों को फ्लैश कार्ड प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो चलिए यहाँ तक आप लोग आ गए हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की लिस्ट से आप लोग एक बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे आप लोग 60 डेज की क्लासेस हमारी हो गई, मान लीजिए 60 डेज में हमने 300, थोड़ा सा जो पेन है वो मिसबिहेव कर रहा है, 300 पेजेस की जो अगर आपने एक बुक पढ़ ली है मान लीजिए, तो उसमें दो तरह के वर्ड्स होते हैं। किसी भी बुक में आप देखेंगे, जब आप हिस्ट्री जियोग्राफी कोई सी भी बुक पढ़ेंगे, इवन इंग्लिश लिटरेचर जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें दो तरह के वर्ड होते हैं। एक होते हैं आपके कंटेंट वर्ड्स, ठीक है, कंटेंट वर्ड्स होते हैं। कंटेंट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है, और दूसरे टाइप के वर्ड। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आप ये मान के चलिए आप एक दिन में एक बुक भी ख़त्म कर सकते हैं धीरे धीरे। कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे होते हैं आप लोगों के लेक्सिकल वर्ड्स, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है। दिस इज नॉट बिहेविंग राइटली, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है लेक्सिकल वर्ड्स, यहाँ पे है कंटेंट वर्ड्स, ये मैं ठीक कर लूंगा। अब बात करते हैं कि लेक्सिकल वर्ड और कंटेंट वर्ड्स होते क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, एक सेंटेंस है कि बौद्ध काल में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया। यहाँ पे देखिए कहा गया, इनका कोई मीनिंग नहीं है, या आप ये मान लीजिए आपका ये एग्जाम में कुछ लेना देना नहीं है, या को या यहाँ पे में, इतने वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन भारत, बौद्ध काल और जम्बूद्वीप, ये तीन चीज़ें आप लोगों के लिए मीनिंगफुल है। अब हम थोड़ा सा और अपनी स्टडी के बारे में बात आ जाए तो कीवर्ड्स ही आप लोगों को ले लेने हैं, जैसे बौद्ध काल हो गया और जम्बूद्वीप हो गया, ये दो कीवर्ड्स आप अगर ले लेते हैं तो बस एग्जाम में यही आपके या तो ऑप्शंस में दिखाई देंगे या क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है। तो दो जगह आप लोगों को कीवर्ड्स अगर आप लोगों ने मैच कर लिए तो आप लोगों का एग्जाम सेट हो जाता है, मीन्स आपका हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि ये बहुत बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम आते हुए भी बहुत इजी क्वेश्चन को भी हम कई बार गलत कर लेते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं वो ब्रेन में क्या होते हैं, बहुत अच्छे से सेट नहीं हो रखे होते हैं, या इतना वास्ट सिलेबस होता है कि हम जब वहाँ पे एग्जाम का प्रेशर होता है तो वो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को कर डालते हैं। उसके लिए भी मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों से डिस्कशन करूँगा कि कैसे आप उस चीज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक तो कार्ड्स टेक्निक जो है ना, फ्लैश कार्ड आप लोगों की इस चीज़ के लिए आप लोगों में बहुत मदद करती है। आप अपना बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। कार्ड्स करने का फ़ायदा मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि सीक्वेंस चेंज हो जाता है। जैसे ये PDF है, ये सिंधु घाटी सभ्यता हमेशा आपको यहीं पर दिखाई देगा, वैदिक आर्य यहीं पर दिखाई देगा, ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और भरत, भारतवर्ष, ये मतलब एक फिक्स होती है, चाहे बुक ले लीजिए या PDF ले लीजिए, ये फिक्स एक सीक्वेंस है। लेकिन होगा क्या कि जब आपने इन सब के कार्ड्स बना देंगे तो कभी सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर आएगा, कभी यहाँ पर आएगा, कभी यहाँ पर आएगा। मीन्स कार्ड्स बनाने से ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है। आपके पास बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, मेरे पास आज भी 6 से 7 हज़ार कार्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट वाइज अपने कार्ड्स तैयार करेंगे और उनसे डेली अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वही कार्ड्स को बनाने के लिए, ईजी करने के लिए हमने ये कीवर्ड्स रखे हैं बाहर।
बाकी आप जब बार बार इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीपली पूरी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कीवर्ड्स पढ़ते हुए आगे निकल सकते हैं। फिर कुछ चीज़ें और टेक्निक बताऊंगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कंटेंट वर्ड्स और लेक्सिकल वर्ड्स, इनको लेक्सिकल वर्ड्स बोलते हैं जिनका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है जो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। कंटेंट वर्ड्स होते हैं जो मीनिंग को लेकर आगे चलते हैं, तो हमें कीवर्ड्स निकाल लेने हैं। अब कीवर्ड्स को भी दो तरह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया है जब आप पीडीएफ में पढ़ेंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पर एक जो फॉन्ट है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा रखा है जिससे कि आप लोग क्या कर पाए अपने मोबाइल स्क्रीन या किसी भी स्क्रीन पे, जैसे इतना सारे पीडीएफ हैं, अगर आप इतना निकालेंगे प्रिंट आउट, तो मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 हज़ार तो आपको प्रिंट आउट निकालने के लिए ही पैसे चाहिए होंगे। तो ये बात ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ा सा, क्योंकि कोर्स का कॉस्ट कम करने जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश की गई है, ठीक है। और ये मुझे भी पता है कि जिस जितना कंटेंट दिया जाता है मेरे द्वारा तो बहुत सफिशियंट होता है। और अदर इंस्टीट्यूट से अगर आप कोई ले रहे हैं तो मुझे पता है 8, 10, 12, 15 हज़ार रुपये में ये कोर्स मिलेगा। हमारा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोगों को 2-2.5 हज़ार रुपये पूरा कोर्स आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पूरा देखेंगे कि कीवर्ड्स आप लोगों को इस तरह से मिल गए। फिर कीवर्ड्स को हमने सिंगल लाइन में एक्सप्लेन भी किया है, जिससे कि क्या होगा कि आप प्रेपरेशन के लास्ट दौर में सिर्फ कीवर्ड्स आपके पास में ये 60+ आपके भूगोल के होंगे, और 60+ जो है वो आप लोगों की हिस्ट्री की होंगी, ठीक है। तो जो ये पीडीएफ्स होंगी वो 60+, मतलब 60+ आपके पास ऐसी लिस्ट भी आ जाएंगी, तो मीन्स आपको समराइज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनको लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। तो 60+ आप फाइल्स आप लोगों के पास में हर उसमें हो जाएगी, कीवर्ड्स हो जाएंगे, कार्ड्स आप लोग बना सकते हैं, प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हो इस तरह से पीडीएफ प्रिपेयर की गई है। पूरे पेजेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर 34 पेजेस की ये पीडीएफ है, लेकिन हम यहाँ पर इस वीडियो में थोड़ा बहुत इसमें डिस्कशन करेंगे। बाकी मैं आप लोगों को पूरी पीडीएफ इसको दिखाऊंगा, और कुछ चीजें, कुछ टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं उस चीज को भी हम देखेंगे, और आप लोगों को इजी लगेंगी और आप ज्यादा लंबे टाइम तक चीजों को याद कर पाएंगे। भारत का जो नामांकन है सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत हो जाती है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जननी है। वैदिक आर्य सिंधु घाटी में निवास करते थे, देश का नाम ब्रह्मवर्त और आर्यवर्त रखा गया था। शक्तिशाली जन ट्राइब भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वायु पुराण में दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख किया गया, तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख कहाँ किया गया था, वायु पुराण में किया गया था। बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप कहा गया था। इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। रोमवासी सिंधु नदी को इंडस और पूर्व स्थित भूभाग को इंडिया कहते थे। पारसियों ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम दिया था। भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि चतुष्कोणीय स्थिति है भारत की, ठीक है, जो आकार है वो इस तरह से। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिमालय पर्वत आपको मिल जाता है। देखिए, आपको बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें दिखाई दिखाई देंगी इस पीडीएफ में, इसलिए 34 पेज की फर्स्ट जो पार्ट फर्स्ट है वो बनाया गया है। सारी चीजें आप लोगों को दी जाएंगी। नीचे आपको हिंद महासागर मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर मिल जाता है। अगर हम भारत का जो भौगोलिक विस्तार में शामिल देशों की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान आ जाते हैं, और इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अगर दक्षिण एशिया की बात आ जाती है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो उसमें श्रीलंका और मालदीव भी शामिल हो जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। भारत की स्थिति जो है, अब यहाँ पे देखिए, लंबाई चौड़ाई अगर आप लोगों को याद करनी है, कई बार हमें इस तरह की डिजिट आ जाती है। डिजिट में हम याद करते हैं 3,214 किलोमीटर, 3,214, ठीक है, हिंदी में करें इंग्लिश में करें, लेकिन आप लोगों को इस तरह से याद नहीं करनी, इसे फोन नंबर की तरह याद कीजिए, 3214, 3214, 3214। लेकिन मैंने इसे हमेशा ऐसे याद नहीं किया था, मैंने ऐसे याद किया था 1234। अगर कोई मुझे अभी भी पूछे एग्जाम में, अगर ये आ जाए कि जो लंबाई है वो कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो मैं हमेशा इसी तरह से लिखूंगा 1234, और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा 3214,
थ्री थ्री जा नाइन और इसका मैं वन माइनस करके टू लिख दूंगा, तो मुझे हमेशा के लिए हमेशा से इसी तरह से याद हो गया जब से मैंने इसे किया है। तो कुछ रीजनिंग अगर आप डाल देंगे चीज़ों के बीच में तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन देखिए हर किसी के पास है आज के डेट में। और इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना उसको तरीका है कि उस चीज़ को कैसे करें। अब जैसे ये यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है उसे याद करना है मान लीजिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैंने एक रीजनिंग की थी कि यहाँ पे देखिए टू थ्री टू है और यहाँ पे भी टू थ्री है, तो इस तरह से लिखिए टू थ्री एंड टू थ्री, ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा। तो अगर कभी भूल भी गए कि मान लीजिए कि इसके बीच में क्या था, तो टू थ्री टू जाए या टू थ्री जाए क्या होता है, सिक्स होता है, ठीक है, तीन दिन में छः हो गया आप लोगों का। और इसके बाद सिक्स के बाद क्या आता है, सेवन आता है, और सेवन के बाद क्या आता है, एट आता है, डिजिट बन गया हमारी, मतलब एक गेम की तरह हमें इसे बना लेना है। और जो लड़ाई है तैयारी की उसे स्ट्रेसफुल ना बना के उसे हमें क्या कर लेना है, धीरे धीरे उसे इंजॉयमेंट की तरफ को ले जाना है। जैसे पिछली बार काफ़ी सारे हमसे साइंस के बच्चे जुड़े थे और मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से था, फिर मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी अपनी कंप्लीट की है और मुझे अब मुझे बहुत पसंद है, ठीक है चीज़ें। तो ये है कि बहुत सारे बच्चों का ये फीडबैक था कि सर साइंस स्टूडेंट के लिए बेस्ट है आपके साथ में पढ़ना, क्योंकि आप सिर्फ रटवाते नहीं, आप चीज़ों के पीछे ये भी बताते हो कि कैसे इसको सीखना है। वैसे हमने अपनी टैग लाइन ही ये बनाई थी, लर्न हाउ टू लर्न, यहाँ देखिए हमने लिखा है लर्न हाउ टू लर्न, मतलब सीखें कि सीखते कैसे सॉरी सीखें कि सीखते कैसे, हमें ये सीखना है। आप सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, आप लोगों ने बीएड किया है, तो इसका मतलब ऑलरेडी हम टीचर होते हैं जब हम इस तरह की तैयारी कर रहे होते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि हमसे कम नॉलेज है, बस कोर्स लेने का या कोई स्टडी मटेरियल लेने का उसके पीछे पैसा खर्च करने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, ठीक है, या दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि हम अपना टाइम सेव कर रहे होते हैं, जो काम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है कलेक्शन करने के लिए, क्योंकि कलेक्शन करने में बहुत टाइम लगता है, उस चीज़ को एक नोट फॉर्मेट में बनाने में टाइम लगता है, बस इसी चीज़ के लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि जो YouTube पर पढ़ा रहे हैं जितने टीचर हैं अगर वो भी आपके साथ में एग्जाम में बैठेंगे तो कई तो फेल हो जाएंगे, मैं ये गारंटीड बोल सकता हूँ। हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा नंबर ले आएंगे इसमें, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका, हो सकता है कि उसमें कुछ आप लोगों को नया लगे, आप लोगों को लगे कि जैसे मैंने यही मेथड आप लोगों को बताया कि ठीक है आपको ये 3287263 करना है इसको याद, ना कि 3287263, ठीक है, आप चाहे हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में करें 3287263, ठीक है, ऐसे करके याद करें। तो उसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिकली मैं बताता हूँ कि क्यों याद नहीं होती है डिजिट्स, इसलिए याद नहीं होती है क्योंकि जब आप यहाँ पे लैक लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे थाउजेंड लिखेंगे, यहाँ पे हंड्रेड लिखेंगे तो होगा क्या कि ये जो लैक थाउजेंड और हंड्रेड होता है ये हर दूसरी डिजिट के अंदर आता है। जैसे चलो एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे देखिए 3000 यहाँ पर भी आएगा, 2000 यहाँ पर भी आएगा, तो 1000 तो कॉमन हो गया ना। ऐसे ही आपने 10 डिजिट जैसे याद करोगे तो वो क्या होंगी, एक जैसी हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी, तो ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा कि इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कैसे करें। जैसे ये लाइन अगर पूरी की पूरी ब्लैक होती, जैसे चतुष्कोणीय, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर, ये सब क्या होता, ब्लैक होता, तो ब्रेन इसको क्या नहीं कर पाता, एक तरह से सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं, जहाँ भी रेड होगा वो उसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, इससे क्या हो पा रहा है कि ब्रेन को उसमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो चीज़ें आप लोगों को इस तरह से समझनी है, इस तरह से सीखनी है, जब आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो यही एक रीज़न है जिससे कि क्या करते हैं कोर्स लिया जाता है। जब हम तैयारी कर रहे थे हमने इसलिए कोर्स लिया था कि हमें किसी पर्टिकुलर टीचर का पढ़ाना पसंद आता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारे जो टेक्निक्स हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही होंगी, इसीलिए बच्चे जुड़ते हैं और जिनका सिलेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं उन्हीं की मेहनत होती है, हमने सिर्फ उन्हें कोर्स प्रोवाइड करवाया है। अब पिछली बार के लिए अगर हम बात करें कि जितनों का सिलेक्शन हुआ था तो उनकी अपनी वो मेहनत है या आप लोगों की वो अपनी मेहनत है, बाकी कोर्स तो 100, 200, 500 लोग ले रहे हैं, तो जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो लोग कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अप्लाई भी करते हैं जिन चीज़ों को उनको सिखाया जाता है।
तो कीवर्ड्स आप लोगों को मिल गए, कीवर्ड्स आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों को एक बार ये पूरी पीडीएफ बता देता हूँ, डेमो के लिए है, और बाकी मैं आप लोगों को ये पूरा एक्सप्लेन भी करूँगा, इस तरह से आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी। नीचे जो पीडीएफ में है ये सारे आपको, ये जो पॉइंट्स है ये आपको या तो बोल्ड में मिलेंगे या आपको रेड कलर में मिलेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे हम रेड कलर नहीं करते हैं वेरिएशन लाने के लिए। देखिए सारे पीडीएफ में अगर रेड कलर भी होता है तो फिर से उसमें वही वाली बात आ जाती है, एक तरह से बोरिंग हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया है, कहीं पर इसको रेड कलर को ऑब्वियसली उसको छोड़ दिया है, थोड़ा सा चेंज लाने के लिए पढ़ते पढ़ते। और दूसरी बात, इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बड़ा रखा है जिससे आप डिजिटली इसको अच्छे से पढ़ पाए। अब देखिए नीचे आप लोगों के पास में की टर्म है, भारत का जो उत्तरी उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है वो ये वाला है। इसका भी मैं आप लोगों को शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि आपको ये सारा कैसे लर्न करना है, कैसे कैसे इसमें कितना कितने कितने का डिफरेंस है और कैसे आप इसे कर पाएंगे, अच्छे तरीके से आप इसे समझ जाएंगे डिटेल में जब अक्षांश और देशांतर वाला पूरा पार्ट आएगा। राइट, एक्चुअली इसके ऊपर रबर टच हो रहा था तो राइटिंग जो पैड है इसलिए वो मिसबिहेव कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से चलिए लास्ट तक मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, कि कितना कितना डिफरेंस आ जाता है टाइम में। नीचे तक चीज़ें आप लोगों को दिखाई देंगी कि कौन कौन, जैसे ये है आप लोगों का इंदिरा पॉइंट, गौरमाता और किबिशू कहाँ कहाँ पर है, ये पॉइंट्स हैं आपके चारों इंडिया के, ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, ये इस तरह से अगर आप इंडिया के मैप को चतुष्कोणीय बना लेते हैं तो ये जम्मू कश्मीर में जो टॉप का होता है उसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ आप नीचे जाएंगे तो कन्याकुमारी, ठीक है, यहाँ पे कन्याकुमारी आपको मिलता है, और इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिणी ग्रेट निकोबार जो द्वीप है वहाँ पर आपको मिलेगा, और गुजरात में जो है वो आपको गौरमोटा मिलता है। ठीक है, तो गौरमोटा मोटा भाई से आप याद रख सकते, गौरमोटा। ठीक है, किबिशू सबसे पूर्व बिंदु जो है वो आप लोगों कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में आप लोग याद रख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्मली से मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें करवा दूंगा, और जैसा कि मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है कि सारी चीज़ें शॉर्ट ट्रिक से नहीं हो सकती हैं, सारी चीज़ें कार्ड से नहीं हो सकती हैं, सारी चीज़ें आप स्पीड रीडिंग से नहीं कर सकते हैं, नहीं, ठीक है, सारी चीज़ें आप एसोसिएशन से नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, कुछ चीज़ें आप कार्ड से करेंगे, कुछ चीज़ें आप एसोसिएशन से करेंगे, कुछ चीज़ें आप स्पीड रीडिंग से करेंगे। तो आप अगर इन चार टेक्निक को यूज करके पढ़ रहे हैं तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, और साथ ही साथ आपको मज़ा आने के साथ साथ ही एक बहुत जल्दी याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको रीजनिंग यूज करनी है, किस में रीजनिंग, सिर्फ मैथ्स के लिए या रीजनिंग पार्ट के लिए नहीं है, रीजनिंग जो होती है वो आप कहीं भी यूज कर सकते होते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह में। ठीक है, जैसे मैं खुद पर्टिकुलर मैंने आपको बताया कि साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ तो मेरा जो ब्रेन का एक सोचने का तरीका था वो अलग था, और मुझे हर चीज़ में रीजनिंग चाहिए होती थी, लेकिन जब हुआ ये कि अगर आपको मतलब इसमें ही क्वालिफाई करना है तो तब आप लोगों को कहीं ना कहीं जुटना तो पड़ेगा, अपने लिए एक रास्ता निकालना ही पड़ता है। की लंबाई, जैसे आप भारत पाकिस्तान की लंबाई को देखिए, अगर आप इसको पूरा इस तरह से याद कर लो, 3 3 3 और 3, ठीक है, अब जो थर्ड नंबर पर 3 है यहाँ पे एक माइनस कर देंगे 1 तो 2 आ जाएगा, तो रीजनिंग से याद करेंगे। अब देखिए कई कई बार ऐसा लगेगा कि अरे ये तो इससे तो बढ़िया हम 3 3 2 3 कर लेते यार, लेकिन जब हम उसे 3 3 2 3 करेंगे तो हम उसे जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन जब हमने उसमें कुछ रीजनिंग लगाई होगी, कुछ खेला होगा उसके साथ में, ठीक है, कुछ इंट्रैक्शन बढ़ाया होगा उस चीज के साथ में, तो हम वो बढ़ जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, एक आदमी है उसे आप मिले, ठीक है, उसके साथ आपका कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ और आप चल दिए, आपको वो आदमी चाहे आपने उसे कितना घूर के क्यों नहीं देखा है, लेकिन आप फिर भी उस इंसान की शक्ल को भूल जाएंगे, उस इंसान को भूल जाएंगे, लेकिन एक आदमी आपके लिए आपके साथ मिला, आपने उसे 10 15 मिनट उसे इंट्रैक्शन किया, आप लंबे टाइम तक उसे याद रख सकते हैं, ये एक डिफरेंस है। यही सेम थिंग विल हैपन इन यू नो व्हेन यू आर स्टडिंग, कि क्या होगा कि आप जब
किसी चीज से इंट्रैक्शन कर रहे हैं, जैसे ये 3323 है, इससे आपने इंट्रैक्शन किया, आप सिंपली याद रख लेंगे। जैसे भारत नेपाल है, आप बोलेंगे ये भारत है ये नेपाल है, और 75 बीच में लिख देंगे, ठीक है 75 बीच में लिख देते हैं। सॉरी ये स्क्रॉल कर जा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, लिखा और फिर क्या कर लिया उसको, 75 बीच में लिख लिया आपने इस तरह से, तो भारत और नेपाल बना दिया आपने, एक इंट्रैक्शन बढ़ा दिया आपने इस तरह से। तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको चीज़ों को करना है, चीज़ों को किस तरह से यूज करना है। ये जो पीडीएफ्स आपको मिलेंगे उन पीडीएफ्स को आपको किस तरह से यूज करना है और चीज़ों को लर्न करना है। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई अगर आपका क्वेश्चन है, कोई रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा यही है 7409287156, और 5 बजे के बाद आप शाम को आप कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।